नैना जी का जन्मदिन मुबारक हो। शुक्रिया आप सब। क्या कहना चाहिए जी? एक्चुअली जब ये मूवी मैंने लिखी थी, आई वॉज इन लाइक कि ये इतना कॉमिक बन जाएगा ऑन सेट, और बहुत कुछ सोचा था, एक्सपेक्टेशंस बहुत सारी थी, उससे ज़्यादा ही हमने अच्छा प्रेजेंट किया है, हमने बहुत अच्छा शूट किया है, और शूटिंग में हम सब ने बहुत इन्जॉय किया है। और अगर आप इस सीरीज इस शॉर्ट फिल्म को देखें, एक्चुअली हम चाहते हैं कि इसका पार्ट टू भी बने, तो वी आर वेटिंग कि पहले पार्ट वन का हमारा क्या रिजल्ट आता है। बट आप पार्ट वन में इतना इन्जॉय करेंगे, इतना इन्जॉय करेंगे कि आप वेट करेंगे कि सेकेंड पार्ट भी आए, ये फॉर श्योर हम लोग बोल सकते हैं। जरूर, फुल कॉमेडी। हाँ जी, कॉमेडी कह सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि उसमें कोई अब्यूसिव या किसी रिलीजन को लेके हमने किसी को कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब वी जस्ट वांट कि हमारी ऑडियंस अच्छे से फन करे। एक नया कॉन्सेप्ट है जो आज तक कभी किसी ने देखा नहीं है, कुछ नया है जो आप लोग देखेंगे तो कहेंगे कि वाओ, दिस इज समथिंग लाइक न्यू। हम तीनों की शादी है, और वो भी इनकी वजह से होती है। तीन लोगों की एक साथ शादी होती है जी। ये हमारे डायरेक्टर सर बताएंगे। अभी फर्स्ट टाइम हमने जो चैनल के लिए बात की है, बात अभी चल रही है, नेक्स्ट मंथ हम बड़े ओटीटी चैनल के लिए बातचीत, मतलब फाइनल हो जाएगा कहाँ पे हमें करना है। तो ये एपिसोड है या शॉर्ट फिल्म है? सर 21 मिनट। इसकी प्लानिंग कैसे की आपने? प्लानिंग हमारा ये था, जैसे नैना जी का स्टोरी मेरे पास आया था हमारे पास, तो उसको हमने डेवलप किया, उसके बाद कास्टिंग हुई। कास्टिंग होने के बाद खूब मजा आया कि हाँ कॉमेडी है इसके अंदर, बहुत मजा आएगा काम करने में भी, तो उसके बाद अच्छा लगा, और हमने फिर प्लानिंग करके फिर शूट किए। आज मैं आपको आज बताती हूँ, एक्चुअली मैं एक्टिंग, जब मैं घर पे बैठती हूँ तो मुझे कई बार ऐसा लगता है कि मैं शूट पे क्यों नहीं हूँ। बहुत सारे आर्टिस्ट होते हैं जो बोल देते हैं, मैं किसी को पर्सनली नहीं बोलना चाहूंगी, कि हम ये शूट कर रहे हैं, वो शूट कर रहे हैं, बट बेचारे वो बोल नहीं पाते हैं कि हम घर पे एक्चुअली बैठे हुए हैं, ठीक है। बट मैंने, जब मैं घर पे बैठती हूँ तो मैं ये सोचती हूँ कि मैं कोई डायलॉग्स लिखूँ या मैं कुछ ऐसी स्क्रिप्ट लिखूँ, कुछ भी थॉट्स आते हैं मैं तुरंत फ़ोन में अपने लिख लेती हूँ। सो एज एन राइटर मेरा कोई भी कोई शौक नहीं है कि मैं आगे बढ़ूँ, बट मेरे दिमाग में जो आइडिया आया, जो मैं चाहती थी आप सब तक पहुँचे, मेरी ऑडियंस तक पहुँचे, और आजकल राइटर भी बहुत महंगे हैं। सो आई वाज थिंकिंग, नहीं नहीं बेचारे मेहनत करते हैं, बट मैं, मेरी मदद इन्होंने बहुत की है स्क्रीन प्ले लिखने के लिए, और ऑफ कोर्स हमारे जो फरीद जी हैं जो यहाँ खड़े हुए हैं, इन्होंने हमारा गाना लिखा हुआ है, तो हम राइटर्स को भी चांस दे रहे हैं। हमारे प्रोडक्शन हाउस जब हमने खोला था, हम यही चाहते थे कि हम सब ऑल फेम प्रोडक्शन को साथ में चलाएं जी। आजकल का जो स्तर है अच्छा होने के बाद भी लोग फेमस तक नहीं पहुंचते जी, कि लोगों के पास समय नहीं है जी, 3 घंटे 4 घंटे या 2.5 घंटे देने का जी, तो आपने ये आइडिया सोचा कि किस प्रकार मनोरंजन देगा जी? जी बिल्कुल, हमने यही सोचा था कि एक्चुअली हम तो इसको चाहते थे कि 7 to 8 minutes का हम, आई थिंक 8 to 9 मिनट मैक्स हम लोग इस चीज़ को शूट करें, बट हमें इतनी अच्छी लगी कि हम एडिटर के साथ बैठ के उसको कट ही नहीं कर पाए। सो वी वर लाइक के ठीक है 21 ही सही, बट देखते हैं हम बाकी क्या रिजल्ट होते हैं। अच्छा ही होगा, ऑफ कोर्स मेहनत कामयाब होगी। यस यस, मैंने तो कोशिश हमेशा मंजिल मिलती है। अगर हिम्मत करो आगे बढ़ो। जी मैं कृष्णा बंसल बहुत पुराना एक्टर हूँ, महमूद से लेकर अमिताभ बच्चन से के कोई हीरो बच्चन जिसके हमने जोहर नहीं दिखाए, तो इन्होंने दत्ता जी ने, नैना छाबड़ा जी ने, प्रयास जी ने हमें मौका दिया कॉमेडी करने का। हम तो स्पॉन्टेनियस है, बिना प्रैक्टिस के एक्टिंग, बिना प्रैक्टिस डांस किसी भी वर्ल्ड के एक्टर के सामने हम यह करवा सकते हैं। तो कोई हीरो बच्चा नहीं, ऋतिक, अजय देवगन, अमिताभ बच्चन, सलमान, शाहरुख, बड़ी हजारों फिल्में हैं, आप मुझे देख सकते हैं और आगे भी करते रहेंगे। अभी तो छोटा सा बच्चा हूँ मैं, पैदा ही हुआ हूँ। नन्ना मुन्ना
मम्मी मुझे भूख लगी है, मुझे एक्टिंग करनी है, मुझे एक्टिंग कराओ। मैं ऐसा नन्ना मुन्ना बच्चा हूँ, मेरा बचपन मरना भी नहीं चाहिए और किसी का भी बचपन मरना नहीं चाहिए। बस हिम्मत नहीं छूटनी चाहिए किसी की भी। एक दिन सबको मंजिल मिलती है, उम्र चाहे कितनी भी चली जाए, मरने से पहले एक बार मौका जरूर मिलता है। आप हिम्मत करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। हाँ जी, आप बताएं आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था एक्चुअली। आई वाज अ फैन लोकल, जब मुझे नैना जी का कुछ कॉल आया था एंड सडनली आई गॉट के यार कहाँ पे हो आप प्रज्ञा, तो आई वाज, वो एक पूछने थे उसके बाद फिर जब हम मिले, हमने काम किया दत्ता सर के साथ में। काम करने का सबसे बेहतरीन चीज ये है कि सेट पे जाने के बाद में बहुत सारी चीजें, मतलब आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि यार ये सीन है और इसको हम इस तरह से भी दिखा सकते हैं। तो बहुत अच्छी चीज थी, फील ही नहीं आया कि हम लोग एक्टिंग कर रहे हैं। बहुत इंजॉय किया हम लोगों ने, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और सर ने मिल के की है और बहुत मुश्किल होता है, इट्स रियली नॉट इजी। हम सिर्फ एक वीडियो को देख के स्किप कर देते हैं कि हाँ ठीक है अच्छा लग रहा है ओके, या लाइक हुआ नहीं ये वो, लेकिन जो उसके पीछे की कहानी, जो फिल्म इंडस्ट्री, हम लोग, हम इवन मैं नहीं, आप सब भी, ये मीडिया को मैं बहुत बहुत सलाम करती हूँ अपनी तरफ से और शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि आप सबकी वजह से हम आर्टिस्ट हैं। आपने हम लोगों को फेमस किया है, आपकी वजह से हम लोग हैं, और हमारी ऑडियंस जो आपको भी एक्सेप्ट करती है और हमें भी करती है आपकी वजह से। सो वी वर लाइक कि हम लोग, मैं, मेरे लिए एक्चुअली स्पेशली ये चीज़ थी कि एज एन प्रोड्यूसर मुझे, मैंने कभी प्लान नहीं किया था, बट बहुत सारी चीज़ें मेरे साथ हो चुकी हैं पहले कि बोल्ड कंसेप्ट के लिए मुझे ज़्यादा कॉल्स आ रहे थे। आफ्टर द बुल ऑफ दलाल स्ट्रीट मैंने किया है, गंदी बात मैंने किया है। सो आई वाज डिसाइडेड बाय माय ओन कि आई वांट टू रन माय ओन प्रोडक्शन हाउस एंड आई वांट टू डू समथिंग शुड बी फनी एंड समथिंग शुड बी कवर्ड, यू नो, एंड समथिंग शुड बी लाइक कि जिस कारण मैं अपनी जो लाइफ है, कुछ चीज़ें मेरी भी जुड़ी हुई है जो इसमें है, आप देख, मतलब जब आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं। सो मेरी कुछ चीज़ें मेरी पर्सनल भी हैं, कुछ चीज़ें मैंने सोची भी हैं, और प्रोड्यूसर, एक्टर, डायरेक्टर, सब, इट्स रियली मैसअप, इट्स नॉट ईजी। सो अच्छा था, लेकिन मेरी टीम बहुत अच्छी है जिनकी वजह से मैंने ईजिली उस चीज़ को कर पाया है हासिल, और अब देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आता है। अच्छा। दत्ता सर के पास, तो मैं आपको इनको बोलूंगी, दत्ता सर के पास ही हमारा सारा रिजल्ट। हां हां, ये हमारे कैप्टन है, ये मैं आपको बोलूंगी, ये अच्छा होगा, अच्छा होगा। मैं श्याम हिंसारिया, इस प्रोजेक्ट में मैं वकील का रोल प्ले कर रहा हूँ। मेरी वजह से ये सारे लोग प्रॉब्लम में फंसे हैं, freeshali.com is because of me in this। एंड बड़ा मजा आया काम करके। नैना जी और त्रियांश हमारा प्ले देखने आए थे, बिरजू का चौथा ग्राहक, एंड प्ले के बाद वो मिले, बड़े वाइब्रेंट थे एंड सो मच पॉजिटिविटी अबाउट सिनेमा, आर्ट्स, लिटरेचर, तो इनसे कनेक्ट करके बड़ा मजा आया। हमारे ग्रुप के बहुत एक्टर्स से मिले, गौरव, जूही और भी कई लोगों के साथ इन्होंने मीटिंग की और इस प्रोजेक्ट का हिस्सा भी है वो, एंड आई एम वेरी थ्रिल्ड एंड लकी टू बी पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट। थैंक यू। आप नहीं क्वेश्चन किया था,
की बातचीत चल रही है उनको हमने दिखा दिया है शॉर्ट फिल्म, नेक्स्ट मंथ फाइनल हो जाएगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। नेक्स्ट मंथ में जो क्लियर हो जाएगा कि हम कौन से चैनल, कंफर्म नहीं है अभी, मतलब बातें हो चुकी है, सरप्राइज फाइनल लेवल पे है, लेकिन सरप्राइज सरप्राइज अच्छा ही होगा। हाय, आई एम श्रेया दास। मैम से लाइक मैम के साथ काम करके बहुत अच्छा लगा, उनका ऑरा बहुत पॉजिटिव है, बहुत हम्बल है। इनके साथ मेरा रोल था, बहुत अच्छे एक्टर है, लाइक बहुत अच्छा लगा पूरे टीम के साथ काम करके, लाइक इट्स सो फन। रोल रोल आरती। ये दोनों आरती और जो दोनों गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड है, इनका प्लान था कि उनको फंसाना एक लड़के को, उसको कंफ्यूज कर दिया कि शादी के लिए आता हूँ, बोल के नहीं आए, उसको धोखा दिया। मतलब एक सस्पेंस कैरेक्टर है जो उन्होंने किया है। मेरा नाम है जावेद फुरकान। मैंने मैम के साथ में काम किया, मुझे बहुत खुशी है, बहुत अच्छा लगा काम करके। और जो मेरा कैरेक्टर था राहुल का, तो वो कैरेक्टर में मुझे बहुत मजा आया करने में। जो बंटी और बबली का कैरेक्टर था ना, उस टाइप का लोगों को लूटना, अरे वाह रे वाह, क्या बोलते हैं, बहुत अच्छा कैरेक्टर लगा। ग्रेट। सो हाई, आई एम गौरव रावल। ये प्रोजेक्ट एक्चुअली सभी के लिए स्पेशल है, मेरे लिए भी स्पेशल है, बिकॉज इसकी कास्टिंग मेरी इस तरह हुई थी, मैं सर के साथ काफ़ी 5 साल से जुड़ा हुआ, एंड ही इज़ माई गुरु श्याम बिमसेरिया। इनसे मैंने जो कुछ भी सीखा है सब इन्हीं से सीखा है। हमने प्ले किया था जिसका नाम था बिरजू का चौथा ग्रह, और मैं उसका एक कैरेक्टर था। सो मैम एंड सर वहाँ पे आए थे, उन्होंने फोटो क्लिक किया, और अचानक इनका कॉल आया कि गौरव मैं नैना बात करूँ शादी के लिए। मैं वो टाइम शादी के लिए मारा मारवाड़ी, लेकिन इतनी जल्दी हमारे में शादी नहीं होती है। तो मैम का कॉल आया शादी के लिए, फिर पता चला ओके मैम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उसके लिए हमको कास्ट करने जा रहे हैं। एंड मैन मेरा मेन मकसद मतलब ये था ना कि मैं सर के साथ पहली बार स्क्रीन शेयर करूंगा, जूही मेरी एक और को एक्टर उसका स्क्रीन शेयर करूंगा, बट धीरे धीरे यहाँ पे ऑल फेम के जितने भी एक्टर्स हैं, नैना मैम, प्रज्ञान भाई, दत्ता सर, सबने इतने अच्छे तरीके से सेट पे पॉजिटिव वाइब्स लाई कि अब ऐसा लग रहा है कि हम एक फैमिली के साथ ही शूट कर रहे हैं और एक्टिंग नहीं कर रहे, हम रियल लाइफ ही जी रहे हैं। फाइनली शादी कर ली, रियल लाइफ। ये पूछना चाहता हूँ जी, पहली बात ये जो मूवी है इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि आज तक आई थिंक कहीं नहीं हुआ है, हमेशा दो लड़के एक लड़का दो लड़कियों को लेके आ सकता है, ये पॉसिबल है, लेकिन एक लड़की दो लड़कों को लेके आई है इस बार। और मेरा प्रोजेक्ट अभी दो एल्बम्स आ रही हैं, एक प्रज्ञान के साथ आ रही है और एक उमेश जी के साथ आ रही है, जो इस वक्त अभी पैरिस में है। तो मेरा मौला, जिसमें जसपिंदर मैम जी ने हमारे लिए गायिका रही है, वो सो नेक्स्ट हमारा लॉन्चिंग उनके लिए, उनके साथ रहेगा जी। नैना जी, मेरा एक क्वेश्चन है, हर किसी के इसमें आप कॉमन है जिसने जोड़ा है सब, तो ये सारे लोगों को कहाँ से इकट्ठा किया? एक्चुअली कहते हैं ना कि वो एसआर के भी बोलते हैं कि जब आप कुछ चाहते हैं तो शिद्दत से आपको कायनात भी मिल जाती है। तो मेरे साथ एक्चुअली हुआ ये था कि जब मैं ये कास्टिंग और जब ये टीम बनाने बैठी थी, तो मैं जिस से पहली मुलाकात कर रही थी वो मेरे लिए लकी भी साबित रहा है और वो मेरी टीम के साथ जुड़ गए। तो ये कह लीजिए कि शायद उन्हें काम की ज़रूरत थी, मुझे आर्टिस्ट की ज़रूरत थी और मुझे एक टीम की ज़रूरत थी, तो जैसे वो मेरे साथ है मैं उनके साथ हूँ। इट्स जस्ट ऑल अबाउट यूनिवर्स कनेक्शन, सो वी आर टुगेदर। वन मोर थिंग मैं बोलना चाहूँगा, ये चली थी जाने पे मंजिल बगैर, ये चली थी जाने पे मंजिल बगैर, मगर चलती गई और यूं ही कारवां बनता गया। वाह 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 वाह। ये शूटिंग लोकेशन सभी मडैल मुंबई में। कितने दिन में शूट? दो दिन में। कोई ऐसी यादें जो आप यहाँ पे शेयर कर सके उसके दौरान, कोई ऐसा एंड वाला सीक्वेंस? हाँ, एंड सीक्वेंस बहुत क्रेजी था। वो एक तरफ चीता जल रही है यहाँ पे, सॉरी सीता जल रही है, एक तरफ हवन चल रहा है, हवन हवन हवन, एक तरफ हवन, ताली।
इनकी मुझसे शादी हुई है, इनकी इससे शादी हुई है, और वो काफी कॉमेडी सीक्वेंस है, आप जब देखोगे तो आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा, हंस हंस के आप लोग पागल हो जाओगे, और इसी तरह हमें प्यार देते रहिए ताकि हम सेकंड एपिसोड पे भी जाए। हाँ सारा अभी बता देंगे, आप देखेंगे कैसे, सस्पेंस तो कुछ तो रहना चाहिए भाई, दर्शकों को इंतजार हो कब आएगी सीरीज, कब आएगी सीरीज, कब आएगी सीरीज, आप इंतजार करेंगे तभी तक। हाँ जी जी, अरे आपको कुछ रहे, कुछ और आने वाला है। हाँ बहुत कुछ है, बहुत काम कर रहे हैं, वर्ल्ड के स्टार बन रहे हैं हम, बस पूरी दुनिया हमारे पीछे है और हम आगे हैं बस, और सब सब आगे बढ़ रहे हैं और हम भी बढ़ रहे हैं बस। ये दौलत ये शोहरत जिसके बाप की संपत्ति नहीं है, ऊपर वाले कहा जिसमें दम है आके ले जा सकता है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है।